अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तांडी सुपर कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से होंदा। अंजे का रेसिपी स्टाइल पे पैसिफिक कुकिंग ऑयल से गड विटामिन ए ई डी का भरपूर कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल कंदो है। बेहतरीन कुकिंग ऑयल हर जगह मिले पे। अंजो बनस्पति घी भी तमाम सुठो है, जो मां हमेशा चाहिंदो है। पराठा ठाइंदा हो, मिठा ठाइंदा हो, हलवा खासकर बनस्पति घी जो इस्तेमाल कंदा हो। खास अड़ी कुछ शय होंदी है जमें घी जो इस्तेमाल देंदो है, तो पैसिफिक वो हर जगह अवेलेबल है। हर शहर में हर जगह मिले पे। एक लीटर, टे लीटर, पंज लीटर में जी बॉटल मिलन पे, बोतल में होंदो है। उनके अलावा पाउच यानी थैलिन में मिलन घी, एक लीटर वाले भी हाफ लीटर वी सोता। अज जो रेसिपीज ठहंदी वो मैं बुधाइम पो। हि पूरा एक असा गेस्ट आन तमाम सुठी रेसिपीज ठहंदी, तो रेसिपीज भी नोट कजो फरमाइश के मुताबिक होंद। ये रेसिपीज जो गेस्ट ठाईंदा, ठीक है। आज की जो रेसिपीज बन रही हैं पैसिफिक कुकिंग ऑयल के साथ, विटामिन ए और डी से भरपूर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बेहतरीन कुकिंग ऑयल हर जगह अवेलेबल है। अपनों का प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, हाशिम जान तैमूरी, जो पहले भी आए थे हमारे साथ, रेसिपी मेरे साथ शेयर की थी यहाँ मेरे किचन में, आज दोबारा आए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रहा है, थोड़े ट्रेडिशनल है, देखिएगा क्या बनाते हैं, पूछते हैं। पहले वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सही? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सेकंड टाइम आए हैं आज प्रोग्राम में जी, और आज बिल्कुल डिफरेंट सी एक रेसिपी आप बना रहे हैं, अफगानी पुलाव जी। और क्या बना रहे हैं साथ? अफगानी पुलाव के साथ मैं बना रहा हूँ जनाब आज नमकीन गोश्त। दोनों अफगानी टच पे ही हैं जी, बिल्कुल ठीक है। नमकीन गोश्त ठाँदो या अफगानी पुलाव ठाँदो, फरमाइश भी थी इनकी, फरमाइश भी थी, मैंने कहा था मैं बनाऊंगा, लेकिन आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है जी। तो ये नोट कीजिएगा, कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ रेसिपीज़ अपलोड हो जाती हैं, और सुबह 11:05 पर रिपीट चलेगा, उसमें भी आप देख सकते हैं जी। तैमूर आप बताएं क्या क्या आपने इसमें डालना है, आप इधर आ जाएं और स्टार्ट करें। और अफगानी पुलाव हम बना रहे हैं चिकन में जी। अफगानी पुलाव के लिए जो हमें अज्जा चाहिए होंगे आप उसको नोट कर लीजिए। चिकन मैंने इस्तेमाल करनी है, इसके अंदर आधा किलो चिकन है ये, ठीक है ठीक है। साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, प्याज का इस्तेमाल करूँगा, दो अदर प्याज चाहिए मुझको, ठीक है ठीक है। गाजर आपने जूलियन कटिंग की हुई, ये चाहिए कितनी रहे ये अंदाजन? ये तकरीबन एक कप या दो कप आप इसमें ये गार्निश आपको अच्छी लगे जी, गार्निश। जो चावल आप बॉयल करके लाए? चावल ने बॉयल करके लिया था मैंने, चावलों में क्या क्या था, एक खाने का चम्मच नमक शामिल करके, आधा किलो चावल में आधा खाने का चम्मच नमक, ठीक है। और सादे बॉयल किए, बिल्कुल सादे बॉयल किए, ठीक है। किशमिश है आपके पास? किशमिश है मेरे पास। अच्छा ये क्या है? ये है इलायची का पाउडर, इलायची का पाउडर जाएगा ये, जरूर इसमें जाएगा, खुशबू अच्छी आती है। ये गर्म मसाला है, नमक है, नमक है, चीनी और ये लहसुन जाएगा, ठीक है। सेकेंड रेसिपी आपकी क्या है? नमकीन गोश्त। ये क्या मटन है, बीफ या चिकन है? मटन तो नहीं है, मटन है, मटन है, मटन में ही बनता है, स्पेशलिटी जो है इतनी मटन है, ठीक है। ये आपने बॉयल किया, इसमें क्या क्या डाला हुआ है? मैंने इसमें सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, दो खाने के चम्मच, ठीक है। आधा किलो में दो खाने के चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मटन में, और नमक डाला हुआ है? नमक नहीं डाला मैंने, नमक बाद में डाले, सिर्फ इतना बॉयल करना है कि पानी इसका यखनी वो भी ड्राई कर दिया। हाँ, यखनी इसी के अंदर ही, यानी लहसुन अदरक का जो पानी था हाँ, हाँ, उसी में इसको मैंने अच्छा स्टीम पे अपने हाँ, इस स्टीम पे पानी नहीं डाला, पानी डाला, ठीक है। और उसके साथ ही मसाले बिल्कुल सिंपल से लग रहे हैं मसाले जो हैं, ये काली मिर्च है, कुटी हुई हम इसमें शामिल करेंगे, पिसी हुई डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए कुटी इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश का। और हल्दी है, साबित धनिया, जीरा, ये आप भून के डालेंगे? भून के डालूंगा मैं इसके, और इसके साथ अदरक, अदरक इस्तेमाल करेंगे, प्याज का इस्तेमाल होगा इसमें, प्याज इसमें शामिल की जाएगी एक अदरक, ठीक है। रेसिपी स्टार्ट कयूं था, हर शे मां तांखे डिटेल में बुधाईंदम, लिखंदा वंजो का शे मिस्त्री कॉल करे पूछी सको ता, स्क्रीन पे नंबर ले पियो। पहले आप क्या स्टार्ट करेंगे? राइस पहले हम ऐसा करते हैं, राइस स्टार्ट कर देते हैं, कटिंग वगैरह मैं नाइफ देता हूं, आप स्टार्ट करें क्या क्या करना है। तो ठीक है, छाछा ठहे पियो, अफगानी पुलाव ठहे पियो। अफगानी पुलाव कियां ठांदो हुन जी मां बुधाई तो छना, अध किलो चावर इन्हें बॉयल करे छड़िया, ठीक है। ये बॉयल ही थींदा तो पहले का बॉयल करे रखा है, छाकाण तो टाइम जितो लिमिटेड हों संजो प्रोग्राम जो उन हिसाब से बॉयल थियल, अध किलो चावर, एक खाने जो चमचो लूण विझी उनके बॉयल किया है, सफा तैयार है, लेकिन बिल्कुल हलवे वांगर ना होजन, हलवा नहीं है, कनी कनी रखी है, अलग हो जाए, ठीक है। एक एक दाना बिल्कुल कनी, एक कनी किया है शायद ना जी, छोड़िए, एक कनी आपने बॉयल करना है क्योंकि दम पे भी जाएंगे। उनसे अगर चिकन आए इनमें अध किलो, ठीक है। ये मटन में भी बनता है और दुबे के गोश्त में बनता है, जो अफगानी असल होता है, लेकिन चिकन ही ज़्यादा, टाइमिंग का भी मसला होता है, बहुत से लोग खाते नहीं है। अगर आप मटन में बनाना चाहें तो फिर मटन में भी ये इसी तरह बनेगा, ठीक है। और दुबे के ओरिजिनल जो रेसिपी है दुबे के गोश्त में बनती है, ठीक है। असल में हमारी दूसरी जो रेसिपी थी वो भी मटन में कर दी आपने, ठीक है। और गाजर जूलियन कटिंग बिल्कुल बारीक, एक का डेढ़ कप या बस कप गाजर विधी में पिताई गाजर है। किशमिश आए थे तकरीबन एक कप जितनी आए, ठीक है। ये मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं, मेन शयन चिकन में यूज़ थी, गरम मसाले जो पाउडर है, नंढे पोटन जो पाउडर है, इलायची पाउडर, खंड है हसब ज़रूरत, उस सारी क्वांटिटी तक बुधाई भी, लूण वो थूम जी घणी हुई ये कुटे विझो, अदद बसर स्लाइस में कटिंग थे, ठीक है। प्याज जा रहा है, ठीक है। इसमें कॉल वूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक हो गई आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो कल थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी सेहत हुआ और अपनी जो है ना लाए और थोड़ी सी आवाज बढ़ाए। अच्छा क्या कह रही है? मैंने कहा थोड़ी सी सेहत अपनी लेकर आए और थोड़ी सी आवाज बढ़ाए अपनी। नहीं कल थोड़ा मुझे हो रहा था फील, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ बहुत जी। और बहुत अच्छा कल का भी प्रोग्राम मैंने देखा पूरा, क्योंकि मुझे रस मलाई की रेसिपी जो है ना वो चाहिए थी, तो मैंने बहुत गौर से पॉइंट जो आपने बताया ना वो मैंने नोट किए हैं। बिल्कुल, और मैं बनाऊंगी और फिर मैं डालूंगी कैसी बनी बताऊंगी भी। और ये आपके गेस्ट मेरे ख्याल में वो है ना जो बिरयानी बनाई थी? नहीं बिरयानी नहीं बनाई थी, काफ्ता कबाब बनाए थे। अच्छा हाँ, तैमूर सही ठीक ठीक। और अच्छा उनकी रेसिपी अच्छी थी और ये भी अच्छी अफगानी देख रहे हैं जी, जब बनाएंगे बताइएगा। आप तो खैर फॉरन ही बना के मुझे पोस्ट कर देती हैं रेसिपी ना। मैंने बहुत बनाई थी अभी, आप छुट्टियों पे थे लेकिन मेरी छुट्टी नहीं थी, मैं आपको भेज रही थी बना के। अच्छा ये असल में क्या है कि ना अब इंशाल्लाह ऐसा सिस्टम शुरू कर रहे हैं जो आप लोग रेसिपीज बताएंगे मुझे पोस्ट करेंगे वो हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, ठीक है? हाँ वो इंशाल्लाह करेंगे, वीक में एक ही दिन या दो दिन रखेंगे कि आप लोग सबकी जो रेसिपीज होंगी उनकी पिक्चर। हाँ, और फैसल बाकी सबको मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और जो आपके कॉलर जो सुनती हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। अच्छा प्याज आप चॉप कर रहे हैं, ठीक है मैं पतीला दे दूं आपको जी। पैसिफिक कुकिंग ऑयल हम डालेंगे। अच्छा वैसे मैं ये बता दूं कि अफगानी पुलाव में घी यूज़ होता है, ठीक है जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल रेसिपीज होती हैं, लेकिन हम लोग अवॉइड ही करते हैं खानों में घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मीठों में और पराठों में ज़रूर घी डाला करें, खाने सालन में आप भले ना डालें, बिरयानी में अच्छा ओरिजिनल जो बिरयानी होती है देख की उसमें घी बनस्पति घी भी इस्तेमाल होता है। जो ट्रेडिशनल ये जो खाने होते हैं कोरमा, खासकर जो देगी कोरमा होता है वो भी घी से बनता है। उसमें ये लोग क्या करते हैं कि जब दम लगाने लगते हैं तो उस पर थोड़ा सा घी डाल देते हैं ताकि उससे ये जो कढ़ाइयाँ बनती हैं हम बाहर जाके जो खाते हैं कुकिंग ऑयल में नहीं बनती। प्याज कम नहीं कर दिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे आधा कप के करीब ऑयल डालेगा, पैसिफिक कुकिंग ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के करीब। थोड़ा इसमें ट्राई करता हूँ, ठीक है ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पैसिफिक कुकिंग ऑयल, कितना चाहिए हमें? आधा कप के करीब चाहिए, ठीक है आध कप पैसिफिक कुकिंग ऑयल, ठीक है ठीक है काफ़ी है ठीक है। आध कप पैसिफिक कुकिंग ऑयल भी छोड़ियो, ठीक है आधा कप पैसिफिक कुकिंग ऑयल डाला जी। तो जैसे ऑयल गर्म होगा तो वैसे प्याज शामिल करूँगा, ठीक है डाल दें। लहसुन भी डलेगी इसमें? लहसुन डलेगी बाद में जब मैं चिकन डालूँगा, ठीक है ठीक है। अफगानी पुलाव जी जो रेसिपी है बिल्कुल इन्हीं तरीके से ठंडो है, इनमें वधिक मसाला ना हूँ, तहाँ कॉल कर सूता स्क्रीन पर नंबर हल्ले पो सुे भी दिसो अदी गेस्ट अचे पी अस कराची का तो उ तमाम पुरानी कॉलर भी आज असूँ कॉल भी कद लाइव त वो रेसिपी अस शेयर कदम को कबाब भी ठाईन पे कोई पुलाव आ उन्होंने भी डिफरेंट को चिकन जो पुलाव है वो सुे दिसो जरूर प्रोग्राम हि पूरा वीक गेस्ट जो है संडे वो डी स्पेशल जो है सलाद जो पूरा बार ठो जो शादी में अस व्यूं छह का अठ किस्म जो सैलड्स ठहदियों डिफरेंट किस्म जो वह सब तक सिखाई परी वो प्रोग्राम भी जरूर हो। अच्छा अब क्या करेंगे, प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगा, उसके बाद हम इसके अंदर चिकन को शामिल करेंगे। अच्छा लहसुन का क्या करना है? लहसुन का क्या करना है? चॉप करके, हाँ लहसुन को चॉप करके। कितने डालने हैं इसमें जवे? ये सारे डाल दें तकरीबन 8 से 10 अदद, ठीक है लहसुन के जवे लेके, लहसुन के जवे चॉप करके इसके अंदर डालेंगे, ये तकरीबन 8 अदद हैं, ठीक है। अदरक का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे आप? अदरक का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फैसल भाई ये भी हो सकता है कि पेस्ट भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आप फ्रेश डाल रहे हैं जो ओरिजिनल ये लोग रेसिपी में फ्रेश यूज़ करते हैं, इससे ये होगा कि इसकी खुशबू भी आएगी, हाँ इसलिए डाल रहे हैं। हाँ जी कॉल बैठूँ था, असलाम वालेकुम। ठीक है क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है जी, कह रहे कितना गलायो क्या? हाल है ताजा? अल्लाह शुक्र है, पहली दफा कॉल कई है। अच्छा वेलकम क्यों था, पहली दफा कॉल कई है ताजी? जी मेहरबानी आदा दवा जी, तमाम सुठी हुंदी है, हर प्रोग्राम असा शौक सा दिसंदा है। मेहरबानी तमाम घणी को फरमाइश आदी ताजी। अदा बस जेको भी ठाईंदा है असा पसंद इंदो है, थोड़ी तबीयत सही को नहीं, उने बारे में भी ताखा पुछणो हो। जी छा पुछणो? अदा बस ये थोड़ी तबीयत सही को दंदी है, उने में केड़ो मानु ऑयल इस्तेमाल करे या छा उने बारे में? ऑयल छाजे लखाइण जेला मानी पचाइण जेला पैसिफिक कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कियो, तमाम बेहतरीन है, मां भी घर में इस्तेमाल किया पे, ये जबरदस्त है कुकिंग ऑयल। अच्छा मेहरबानी, अदा मेहरबानी, इंशाल्लाह आइंदा भी कंदा जी।
हेलो ओके अच्छा ब्रेक जो टाइम थे पे हो आपने प्याज इसमें गोल्डन ब्राउन करके लहसुन डालना है चॉप करके देन आपने चिकन डाल के इसको फ्राई करना है ब्रेक जो टाइम थे पे हो जैसे ही इनमें थूम बसर गुलाबी थी विंदो गाढ़ो लाइट गुलाबी थी विंदो थूम विझ भी कुटियल उन सके चिकन विझी इनके भुंजंदासी वठू दे नाज़रीन ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी स्टैंड पियूं उहो सॼी डिटेल में वरी ॿुधाईंदासीं पैसिफिक कुकिंग ऑयल सां ठहनि पिया खाधा वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर कोलेस्ट्रोल खे कंट्रोल कंदो आहे बहितरीन कुकिंग ऑयल हर जॻह अवेलेबल आहे पंहिंजनि जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल हाणे ॾिसूं था की रेसिपी किथे पहुची जी अब क्या कर रहे हैं आप इसमें आपने इसमें नमक भी डाल दिया था ना जी नमक भी डाल दिया पानी कितना डाला है ये बता दें पहले आपने प्याज को ब्राउन किया गोल्डन ब्राउन किया फिर लहसुन डाला था और चिकन डाल दिया चिकन डाल दिया था उसको आपने 3-4 मिनट भुना उसके बाद आपने इसमें तकरीबन 2.5 से 3 ग्लास पानी डाला था कप सॉरी पानी डाल के इसको चिकन को गला लेना है और उसके बाद आप क्या करेंगे नमक आपने आधा चाय का चम्मच डाला ठीक है उसके बाद मुझे ये करना है कि इसके अंदर जब इसकी यखनी से तैयार हो जाएगी तो मैं इसका चिकन निकाल लूँगा और यखनी को निकाल के रख लेंगे स्टॉक को उसके बाद हम ये इसका पैन फ्राई पैन ये स्टार्ट करें तो हम बताते जाएंगे साथ साथ अच्छा छा कयो है सभी का पहले अध प्याली जितरो पैसिफिक कुकिंग ऑयल गरम कयो ठीक है अध प्याली जितरो पैसिफिक कुकिंग ऑयल गरम कयो ऐं हुन में बसर ब गंड ऑमलेट वांगुरु चॉप करे उनके गोल्डन ब्राउन कयो उनखां पोइ थूम कुटियल या पेस्ट विझी छॾिजो 2 खाइण जा चमचनि जेतिरी ठीकु आहे 8 घणियुनि जो पेस्ट उनखां पोइ छा कयो चिकन बि विझी छॾी गॾु चिकन ऐं थूम खे बसर सां गॾु भुञियो आहे 5 मिंट ताईं उनखां पोइ पाणी विधो हिन में तकरीबन 3 कप जेतिरो पाणी विधो 3-4 कप पाणी विझी ऐं लूणु अधु चांहि जो चमचो विझी हुनखे कवर करे चिकन गरी वञे ऐं यखनी मुंहिंजा यखनी 1 गिलास रहिजानी चाहिए न 2 कप 2 कप यखनी रहिजी वञे पोइ अॻियां जो प्रोसेस ॿुधायूं त छा थींदो ठीकु आहे चीनी कैरमलाइज करेंगे ठीक है चीनी इनके अंदर मेल्ट थी खंड कितनी डालेंगे 3 चमचे इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी रुपया इसके अंदर भी शामिल किया जाएगा अच्छा ये थोड़ी सी मेल्ट होगी चीनी जैसी मेल्ट होगी तो हमने इसके अंदर जो स्टॉक होगा यखनी का वो हम इसके अंदर डालेंगे ना जी ठीक है ये मेल्ट होना शुरू हो रही है 3 खाने के चम्मच चीनी डली है ठीक है ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है यखनी निकाल लेंगे कसल भाई ठीक है इसकी यखनी चाहिए मुझे मैं डालती हूँ यखनी कितनी डालनी है इसमें यह एक काम करें ना इसकी यखनी जो है ना पूरी डलेगी इसमें इसको छानना पड़ेगा नहीं मैं थोड़ी तो डाल दूँ ना ताकि चीनी हमारी जले ना एक काम करें बताएं क्या हो गया कंफ्यूज हो गया कंफ्यूज नहीं हो गया मैं ये यखनी जो ना रस्से में डालनी होगी ये जल जाएगी आपकी चीनी में बता रहा ठीक है जलेगी मैं निकाल दूं यखनी बॉल में हाँ निकाल के भी मुझे दे दें ठीक है चीनी कैरमलाइज हो गई है ठीक है बिल्कुल अब उसके बाद यखनी और चिकन भी अलग कर दूँ जी बिल्कुल चिकन अलग कर दीजिएगा और यखनी मुझको दे दीजिएगा यखनी इसी में यूज़ कर लें ठीक है चिकन हमने अलग कर दी यखनी डाल दूँ डाल दें इसमें कितनी डालनी है पूरी डाल दी डाल दें काफ़ी हाँ और इसको हम जो है ना कम कर देंगे आँच कम कर दूँ अच्छा यखनी जेका है हाँ लिठो बंद कर दिया मैंने फ़िलहाल ठीक है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी ठीक है क्या किया है चीनी को मेल्ट करना है हल्का सा उसमें 1 चम्मच आपने यखनी डाल देनी बिल्कुल वो जल ना जाए ठीक है थोड़ी ब्राउन शेड में आ गई उसके बाद इन्होंने क्या किया इसमें यखनी डाल दी है और साथ ही मैं इसके अंदर जितनी यखनी डाल दी अब इसमें ये डाल रहे हैं इलायची का पाउडर डालूंगा मैं इलायची का पाउडर 1 चाय का चम्मच 1 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर 1 चाय जो चम्मच नंडे फोटन जो पाउडर और गरम मसाला और गरम मसाला पाउडर कितना है 1 चाय का चम्मच जी जी एक मिनट बैठा दो बस ओके ओके बैठूँ हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ये दाती है यो बिल्कुल दुआओं अधिक कह रहे हैं कितना गलायो पिया दास का बिस्ता मां पे गाला है मिस शदीद पे गाला है अच्छा हाल है ता जा प्रोग्राम दिसो पिया हम तेरी दस्तान के प्रोग्राम निकाल के ये मेहरबानी आई एम वेलकम के ता फर्स्ट टाइम कॉल किया हां अच्छा मुझे ता ने प्रोग्राम इलाही वणंदो है तमाम घणी मेहरबानी अजी को फरमाइश है ता जी
अदा कल जी की तां भाजी पे ठाही ने पटाटन जी वांगणन जी आलू आई हां जी भाजी ठाही पे ने पछाड़ी नी आ सा लाइट वेली पोणे छे बजे पोलाई की ठाही ठीक है मैं रिपीट कराई तो छडा भाजी जी रेसिपी ठीक है दोबारा बता देते हैं आपने इसमें गरम मसाले का पाउडर डाला एक चाय का चम्मच एक चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला एक चाय का चम्मच इलायची का पाउडर डाला और क्या डाला आपने कुछ भी नहीं और कुछ नहीं ठीक है मैं बता देता हूँ चीनी इन्होंने मेल्ट की 3 टेबल स्पून कैरामलाइज ब्राउन शेड में आने लगी इसमें यखनी एक चाय का चम्मच डाल दिया था ताकि जले ना एकदम उसको अच्छी तरह मेल्ट कर देना है ब्राउन शेड में चीनी आने लगेगी इसके बाद इन्होंने यखनी 3 कप जितनी डाल दी थी और तेज़ आंच पे करके यखनी थोड़ी गाढ़ी होने शुरू हुई तो उसके साथ इन्होंने इलायची का पाउडर एक चाय का चम्मच डाला गरम मसाला पाउडर एक चाय का चम्मच डाल दिया था ठीक है और ये बिल्कुल गाढ़ापन आ गया इसके अंदर सॉस सा बन गया अब क्या करेंगे हम ये करेंगे कि चावल जो है इसके अंदर पतीले के अंदर डालेंगे डाल दें ये निकालनी है जो उसमें निकाल दें ठीक है इसको अलग से निकाल देते हैं अब जिस पतीले में आपने बनाई थी उसी पतीले में हम साइड में कर देते हैं ये हो गया आपका पतीला सादो पतीलो जो है चलें स्टार्ट करें अच्छा अब मैं क्या करूँगा चावल इसके अंदर मैं डालना शुरू कर रहा हूँ ठीक है पतीले में सिर्फ चावल डाल रहे हैं ठीक है नीचे कुछ भी नहीं है तय में चावल डालें उसी पतीले में सारे इसी तरह डालेंगे लेयर डलेंगे नहीं लेयर नहीं डलेंगे सारे चावल इसी तरह डलेंगे आधे किलो चावल इन बॉयल कर लें लून एक खाने के चम्मच इनके अंदर विथ लो ठीक है एक खाने के चम्मच के साथ नमक के साथ ये राइस बॉयल हुए हैं ये इन्होंने डाल दिए हैं अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मुझे ये स्टॉक जो इसके अंदर डालूँगा और जैसे ही फिर पैन खाली हो जाएगा तो पैन में ये चीज़ें बनाना शुरू करूँगा दूसरी ठीक है और देखते रहिए ठीक है ये जो इन्होंने यखनी का जो स्टॉक बनाया था गाढ़ा सा इसमें चीनी डाली हुई थी वो वाला ऊपर से डाल दिया ठीक है बिल्कुल ही अफगानी तरीके से बना रहे हैं जैसे इसी तरह बनता है इसका तरीका ये अब ये आपने क्या करनी है ये गाजरों को मैं इसके अंदर करूँगा ऑयल के अंदर सोते ठीक है आप इसको स्टार्ट करें ये तो इसके साथ ही डलेगा ना सर फिर करें तो एक काम करें चूल्हा अगर ऑन करना पड़ेगा इसमें ऑयल डलेगा चूल्हा चाहिए ऑन करें चिकन सारी डाल दी मैंने जी सारी डाल दी जी कॉल बट होता चूल्हा ऑन करते हैं ठीक है 2 चमचे ऑयल डाल दें पैसिफिक कुकिंग ऑयल कॉल भी उठूता अस्सलाम वालेकुम 2 खाने के चम्मच डाल दूँ जी हेलो अस्सलाम वालेकुम आवाज़ ना पीछे बिल्कुल वॉल्यूम बताए जो हेलो अच्छा अब जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम इसके अंदर ये गाजरें शामिल कर देंगे कितनी गाजर चाहिए ये तकरीबन 1 कप के करीब गाजरें ठीक है थोड़ी सी वैसे ही रोक रहे हैं अलग से गाजर को सौते करेंगे गाजर को 1/2 चमचा फ्राइंग पैन में पैसिफिक कुकिंग ऑयल विदो ठीक है आए होने से गड गाजर पिताई गजर बारीक जुलियन कटिंग थे इनके नरम करोड़ मथा विझी आई किशमिश विंदा ये हटा दूँ सब चीज़ें नहीं नहीं ये जाएंगे जाएंगी 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 वो भी जाएंगी ठीक है अच्छा ये दोबारा डालेंगे जी ठीक है गाजर इन्होंने सौते कर रहे हैं नरम हो जाएगी जब थोड़ी सी गाजर नरम हो जाएगी तो मैं इसमें क्या करूँगा ये किशमिश शामिल करूँगा कितनी है किशमिश 1 कप लग रही है 1 कप के करीब किशमिश है ये इसमें शामिल की जाएगी चीनी इसमें ये पूरी डाल दूंगा मैं अच्छा चीनी दोबारा चीनी डलेगी इलायची का पाउडर डल जाएगा ठीक है और गरम मसाला इसमें डलेगा लास्ट में डलेगा ठीक इसमें नहीं बहुत ईजी है आपको समझ आ रही होगी रेसिपी कोशिश हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम टीवी जो वॉल्यूम बंद करी दो लाइन सर भाई असन के फरमाइश करनी है रसगुल्ला बतायो टीवी जी वॉल्यूम बंद करी पगलायो दी आवाज बंद है असन के रसगुल्ला की रेसिपी बतायो हियर त न तो बुदाई सका रसगुल्ला मैं कोशिश कंदम छाकर त जो टाइम वती कुंदो ठाई जो 1.5 कलाक 2 कलाक लगे तो प्रोग्राम का टाइम मुंजो 50 मिनट तो मैं कोशिश कंदम अगर ठाई सकम तो ठाई सकन न तो मेहरबानी दिसुंदा ठीक है चीनी भी इसमें शामिल कर रहे हैं पूरी जितनी भी थी अच्छा किशमिश 1 कप डाली 1 से 1.5 कप गाजर थी इसको नरम कर दिया सौते कर दिया कि चीनी कितनी डाली 1 चाय का चम्मच एक चाय का चम्मच डाला है और ये क्या डाल रहे हैं इलायची का पाउडर है कितना ये पूरा डाल देंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच है जी ठीक है आधा चाय जो चम्मच इलायची जो पाउडर नंडे पोटन जो आई खंड विधि इनके सौते कन पिया इसके ऊपर जाएगा ये इसके ऊपर जाएगा ये दम पे जाएगा फिर दम पे ठीक है हाँ वो उसका जो फ्लेवर आएगा पानी और फिर उसमें थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन का जो है वो चीनी से ही आएगा ठीक है डाल दें अब इसके ऊपर
ठीक है, ये हो गया। गरम मसाला डालना है, गरम मसाला जाएगा इसके ऊपर, चिकन के ऊपर गरम मसाला थोड़ा सा डालना है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, ठीक है। सॉल्ट तो यूज़ हो गया ना हमारा? जी सॉल्ट भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यखनी में भी हमने सॉल्ट डाल दिया था, आधा चाय के चम्मच, और मैंने चावल में भी डाल दिया। टाइम हमारे पास इतना होया कि कंप्लीट हो जाए रेसिपी, ठीक है। ये पूरा इसके ऊपर जाएगा गाजर जो इन्होंने सौते किए ऊपर से, थोड़ी सी हम रोक लेते गार्निशिंग के लिए बचाएंगे, गार्निश पे पीछे रख दें, नीचे रख दें, बल्कि यहाँ पर रख दें, हाँ ये गार्निशिंग के लिए लास्ट में बचाइए, इसको दम पे लगा दें, इस साइड पर करते हैं फिर सेकंड रेसिपी में, ठीक है। बिल्कुल इजी है रेसिपी, 5 मिनट चूल्हा तेज़ रखें ताकि इसमें स्टीम बने, देन हल्की आंच पे करके आपने इसको बनाना है, ठीक है। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, खड़े खड़े दुआओं तांगा ताकि पूरी टीम गलाए, यहां बा खुश है। मेहरबानी, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल ठीक ठाक। कह रहे कितना गलाओ पिया? मां फरजाना थी गलाए कराची खा ता लेन तांजा प्रोग्राम दिसो पिया दा दिसा दी खुशी थी भाई। आपको भी बहुत सारा सलाम, बहुत सारी दुआएं कि इतनी प्यारी रेसिपी आप बना रहे हैं, कि बाकी हम सोचते थे कि ये कैसे बनता होगा, कि आपने चीनी ऐड की है ना, ये फ्लेवर सारा इसका ही आता होगा। इसी से आता है, बिल्कुल अफगानी पुलाव का जो फ्लेवर होता है वो चीनी को कैरामलाइज करते हैं ना, तो उसी का फ्लेवर आता है इसमें। वो यही हम सोचते थे कि ये किस चीज का बना तो लेते थे देख के, लेकिन ये जो कैरामलाइज चीज की इसकी जो खुशबू आती थी ना, ये सोचते थे हम किस चीज की आ रही है। तो आज आपने मेरा सरप्राइज खत्म कर दिया, और बाकी हम बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं, बहुत सारी दुआएं। अब मुझे लौकी का हलवा भी चाहिए किसी वक्त। अच्छा, लौकी का हलवा जी, लौकी का हलवा और लौकी की खीर इस वीक बनानी थी, लेकिन ये वीक गेस्ट है मेरे साथ, लास्ट वीक में आया नहीं था, तबीयत से नहीं थी, तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में मैं लौकी का हलवा और लौकी की खीर दोनों एक साथ ही बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हाफिज़। अच्छा, सेकंड रेसिपी पे आते हैं, नमकीन गोश्त, ठीक है। नमकीन गोश्त भी अफगानी पेशावर वगैरह साइड पे बनता है। अब इसका चूल्हा कम कर देते हैं, 5 मिनट मैंने तेज कहा था, हल्की आंच पे करके इसको दम पे लगा देते हैं। इसके लिए प्याज मुझे काटनी पड़ेगी। अच्छा, अब बन रहा है नमकीन गोश्त, ठीक है। इसके लिए मटन इन्होंने बॉयल किया हुआ है, मटन बॉयल कहला है, ठीक है, मटन आधा किलो है। नमक तो नहीं डाला था? नमक नहीं डाला था मैंने, उसी अपने पानी के साथ ही बॉयल किया, जो इसमें कोई अपने पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, तो ये गल जाता है अंदर, हाँ गल जाता है। हल्की आंच पे रखना होता है, स्टीम पे, स्टीम पे, हल्की आंच पे इन्होंने आधा किलो मटन का गोश्त। अच्छा, इसमें भी वो होता है पुट का होता है, चाम्प का होता है, आपने कौन सा लिया? पुट का यूज़ किया, पुट का यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि इसमें भी दस्ती का, पुट का, चाम्प का डिफरेंट इसमें होती है कटिंग। और मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दो खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मटन बॉयल नहीं किया है, बल्कि स्टीम पे छोड़ दिया था अदरक लहसुन के और मटन के अपने पानी में इसको इन्होंने गला दिया दम पे। अगर आप से ना गल लो तो फिर आधा कप पानी डाल सकते हैं, हल्की आंच पे दम पे छोड़ दें, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है दम से ही आएगा, दम से ही आएगा इसका फ्लेवर, ठीक है। इसका यखनी नहीं बनानी आपने। प्याज की कटिंग कर रहे हैं, प्याज हमने चॉप करनी है। कितना डलेगा इसमें? एक अदद प्याज मैंने ली है और उसको मैं एक अदद प्याज मैंने ली है और मैं इसको चॉप कर रहा हूँ। चॉप करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर ऑयल डालेंगे हम 2 से 3 खाने के चम्मच पैसिफिक कुकिंग ऑयल, ठीक है, 2 से 3 खाने के चम्मच जाएगा पैसिफिक कुकिंग ऑयल, एक अदद प्याज जाएगा, आधा किलो मटन है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है नमकीन गोश्त, और बड़ी फेमस ये है रेसिपी। अच्छा, चावल जो है हमारे पुलाव, ये मैंने दम पे लगा दिए हैं, ठीक है, तो ये 20 से 25 मिनट इसको दम देंगे, ये तकरीबन 15 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में तब तक ये रेस्ट हो जाएगी, इसको निकाल देंगे, ठीक है। अब इसमें पैसिफिक कुकिंग ऑयल डालते हैं, कितना डलेगा इसमें, आपको कितना चाहिए, क्योंकि मुझे ये चर्बी भी लग रही है इसके बाद, इसमें ये चाहिए होता है, मटन में चर्बी होती है। आपने रवात वाला लिया है गोश्त, इसमें थोड़ी वाइट चर्बी होती है, उसी से इसका जायका आएगा। ये इसमें जो वाइट आपको नजर आ रहा है, घी नहीं है, घी नहीं, ये रवात है, जो इसके ऊपर मटन के ऊपर चर्बी होती है जो गल जाती है, ये वो है, ठीक है, चर्बी वाला लीजिएगा, इसका फ्लेवर उसी से आएगा, ठीक है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना, तो ऑयल यूज़ नहीं करते, ऑयल उस हिसाब से हम कम ले रहे हैं। कितना डालना है आपने? 2 से 3 चम्मच, 2 से 3 खाने के चम्मच पैसिफिक कुकिंग ऑयल, बकर ट्रे खाने के चम्मच पैसिफिक कुकिंग ऑयल विंदो छा करते हैं, इनमें भी चिकनाई आए। कॉल भी अठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वॉल्यूम बताए जो आवाज़ ना पीछे। हेलो जी, जी छा हलन ताजा, मुझे आवाज़ अच्छी पी तक, ओके ती आवाज़ बिल्कुल समझ न पे, बाद में कॉल कर सको तो अगेन, ठीक है। प्याज हमने चॉप किया, ठीक है, एक अदद प्याज चॉप करके इसमें डाला है, 2 से 3 टेबल स्पून पैसिफिक कुकिंग ऑयल डाला है, क्योंकि गोश्त जो हमने यूज़ किया है उसमें चर्बी होती है रवाद वाला, इसलिए ऑयल इस रेसिपी की खासियत और जायका इसी से होता है कि इसकी अपनी चर्बी है। जैसे चपली कबाब आपने खाए होंगे, हम घर में तो बनाते हैं,
लेकिन मेरे घर में भी चपली कबाब बनते हैं ना, तो जब मैं कीमा लेता हूँ ना, तो रवाब जो होता है जी जी। वो अलग से इतना बड़ा चर्बी का पीस में लेता हूँ, वो वाली चर्बी जो गल जाती है वाइट कलर के, उसी से जायका आता है। ऑयल के साथ गर्म करके उसको मेल्ट करता हूँ, फिर वो बनाता हूँ। क्योंकि आप भी इसी तरह क्या करें, जो ओरिजिनल ये तख्त पाई के जो क्वेटा साइड पे, पिशावर साइड पे आगे जाते हैं, जो वहाँ के फेमस ये हैं चपली का, वो चर्बी उस ऑयल में चर्बी भी डलती है, उसी का आता है फ्लेवर। कॉल बटू था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फैसल? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। आज तो मेरी पसंद की बन रही है डिश, ये मटन बना रहे हैं, वो भी पुट में। हमारी फैमिली में पुट बहुत पसंद किया जाता है, और वाकई पुट का गोश्त सबसे मजेदार होता है। हाँ, मैं तो बकरे का वही पुट का ही मंगवाती हूँ जब भी बनाए ना, तो ये रेसिपी मैं देखूंगी और इसको मैं ट्राई करूंगी जरूर। और अफगानी पुलाव जो दम पे चढ़ा हुआ है, वो भी बहुत मजे का लग रहा है। मजे का होगा वाकई, खुशबू से लग रहा है। हाँ, और आप दोनों ने मतलब सोच के ही पहने थे आज, हम इत्तेफाक से यूनिफॉर्म बन गए हैं। अच्छा लग रहा है आपके ये जो आए हुए गेस्ट, इनको वेलकम। थैंक यू। ये पहले भी आए थे उन्होंने। इनका नाम क्या है जी? नाम क्या है इनका? हाशिम जान। हाशिम जान नाम है, हाशिम जान। अच्छा, ये किसी रेस्टोरेंट में भी होते हैं? मैंने इनको कहीं देखा हुआ लग रहा है। कराची यूनिवर्सिटी में होता हूँ ये। कराची यूनिवर्सिटी में होते हैं? यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मैं इसमें। अच्छा अच्छा जी, कुकिंग का शौक है इनको बहुत ज्यादा, तो ये आए, सेकंड टाइम आए मेरे प्रोग्राम में ना। अच्छा, पहले भी आ चुके हैं ये? जी पहले भी आ चुके हैं, इन्होंने काफ्ता कबाब बनाए थे बड़े जबरदस्त। अच्छा अच्छा, ये उर्दू डिपार्टमेंट के पास होते हैं ये, कराची यूनिवर्सिटी में? जी जी। ओके, एच ई जे के अंदर। एच ई जे जी, क्या कह रहे हैं? एच ई जे। इनकी आवाज नहीं आ रही है, इनका जो माइक है। कराची यूनिवर्सिटी में एचईजे में होते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में। अच्छा, जैसी प्याज नरम हुई, हमने इसको ज्यादा डार्क नहीं करना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, प्याज हमने गोल्डन ब्राउन किया, इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो था इसके साथ ही डाल दिया था, गोश्त डाल के आप इसमें भून रहे हैं। जी, गोश्त डाल के भूनना है हमने। ठीक है, इसके अंदर। अच्छा, ब्रेक जो टाइम के पे चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि ये सारा हम मेथड है ना, ब्रेक के बाद बताएंगे। बटू देखने शॉप पर वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के मैंने कहा पहली ताइम सामू जेकर रेसिपी स्टंट पे हो, तमाम बेहतरीन पैसिफिक कुकिंग ऑयल्स, अगर विटामिन ए ए डी का भरपूर, कोलेस्ट्रॉल के कंधवा कंट्रोल, बेहतरीन कुकिंग ऑयल, पांजन जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल आई हाणे दिसू तो छापे थे। अच्छा, गोश्त को आपने भूना, ठीक है, गोश्त को मैंने भून लिया। अब इसमें क्या डालेंगे मसाले? और हल्दी रह गए हैं। हल्दी कितनी? हल्दी है ये एक चौथाई चाय का चम्मच, एक चौथाई चाय का चम्मच, चौथों चाय जो चम्मच हो बिल्कुल, क्वार्टर टी स्पून, थर्ड वही पीटल। और क्या डालेंगे? और इसमें मैं डालूंगा ये एक चाय का चम्मच, इसमें जीरा है और धनिया है, मैंने इसको दोनों मिला के कितना डालेंगे? ये पूरा डल जाएगा इसके अंदर। एक चाय का चम्मच साबित धनिया, एक चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा रोस्ट करके भुना हुआ है, ठीक है, ये डालेंगे। ठीक है, डाल दें। चम्मच दूसरा चाहिए, इसमें मसला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद ये करूँगा काली मिर्च जाएगी, काली मिर्च जाएगी, नमक जाएगा। ठीक है, गरम मसाला तो नहीं डालेगा इसमें? नहीं, गरम मसाला नहीं लगेगा। ठीक है, हाइट भी दी अच्छो जीरो, बुनियल कुटियल कारा साबित धाना, बुनियल कुटियल एक चाय। नमक मैंने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया। नमक कितना डाला? मैंने तो हाफ टी स्पून है, हाफ टी स्पून। ठीक है, हाफ टी स्पून सॉल्ट किया। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप सुनाएं। ये हरा धनिया कौन कहां से बात कर रहे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हरी मिर्च कहां से बात कर रहे हैं, कौन से शहर से? मैं टंडो मोहम्मद खान से। जी जी, कुछ कहना चाहेंगी? जी, आपका शो में देख रही हूँ, आपने जो पुलाव बनाया है अफगानी जी, वो बहुत अच्छा है, लेकिन है ना उसमें एक चीज समझ भी नहीं आ रही मुझे। क्या चीज बताइएगा? वो जो इन्होंने यखनी बनाई थी ना, वो थोड़ी आप रिपीट कर दें। ठीक है, आपको पूरी रेसिपी रिपीट करा देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा आप बताइए, काली मिर्च डालनी है आपने इसमें? काली मिर्च मैंने इसमें डाला है आधा चाय के चम्मच, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च दी, आधा चाय का चम्मच नमक दिया, सफेद जीरा भुना कुटा एक चाय का चम्मच, साबित धनिया भुना कुटा एक चाय का चम्मच, और हरा धनिया डाला, गरम मसाला तो नहीं डाला है ना, गरम मसाला नहीं, और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच से भी कम क्वार्टर टी स्पून डाला, हरी मिर्च डाल दी चॉप की हुई और हरा धनिया डाला। अब क्या जाएगा इसमें? अब इसमें थोड़ी सी अदरक इसमें इस वक्त शामिल कर रहा हूं, चॉप पार्चों में बनाई हुई, ठीक है, जूलियन कटिंग अदरक वही है अंदर, और इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद दम पे लगा दें 5 मिनट के लिए, इसको कवर करके दम पे लगा देते हैं, ठीक है। और अब गार्निशिंग आप बना दें, जो जो करना है आपने वो कर लें, हमारे पास टाइम भी है, मुझे मैसेजेस भी पढ़ने। अच्छा पटाटन जी, वांगड़न जी रेसिपी था पूछी पे, चाओ बदद पटाटा स्लाइस में कटिंग थे, बदद वांगड़न स्लाइस में कटिंग थे, ठीक है, एक अदद बसर वडो हाफ स्लाइस कटिंग थे, बदद टमाटर स्लाइस में कटिंग थे, ठीक है, यो वा बदद सावा मिर्च विजमा जूलियन करे कटे छजो, ठीक है, आए पतीले में टमाटा बसर, ठीक है, उनसा गड पटाटा जो आलू आ वांगण ये सब शयूं विझी जी, अध चाय जो चमचो हेट, अध चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, अध चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, आई अध चाय जो चमचो लूण यो विधो मथा का, ठीक है, अच्छो जीरो एक चाय जो चमचो विधो, आई अध कप पानी विझी दम ते रखी छोड़ो, जैसे भाजी गरी वने पानी खुश्क थे भुने छोड़ो, भुनण का पो उनके अंदर सावा साई बसर अध कप जैसी चॉप करे विधि भी मिक्स करे वरी 5 मिनट दम ते रखी डिश आउट के छोड़ो, बिल्कुल ईजी हुई रेसिपी जी। छापे चो जी, हाँ मोट शो के मैसेजेस भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सारा? मैं ठीक हूँ, बताइए आप कैसे हैं, तबीयत सही हुई? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आज तो। और आज आप क्या बना रहे हैं? मेरी लाइट तो 4:45 बजे चली गई थी, मैं इतना इंतजार करती हूँ आपका प्रोग्राम कब आएगा, इंतजार करती हूँ। असल में मैं नहीं बना रहा हूँ, आज गेस्ट है हमारे साथ। अच्छा जी, गेस्ट बना रहे हैं, अफगानी पुलाव है और नमकीन गोश्त बन रहा है। देखिए आपके प्रोग्राम का इतना इंतजार होता है और फिर अगर लाइट चली जाती है तो इतना गुस्सा आता है कि नहीं देख सकती प्रोग्राम। चलें कोई बात नहीं, सुबह रिपीट में देख लीजिए, कल रिपीट चलेगा। ये शेफ है, नाम क्या है इनका? शेफ नहीं है, यूनिवर्सिटी में होते हैं, जामा कराची में, यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में होते हैं, ये आए थे पहले भी, हाशिम जहाँ तैमूरी हैं, इन्होंने पहले भी वो बनाए थे काफ्ता कबाब, आपने शायद आपको याद हो। क्या नाम बताया आपने? हाशिम जहाँ तैमूरी। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह फिर मैं कल रिपीट में देखूंगी, अगर लाइट होगी तो देखूंगी इंशाल्लाह, और मेरा सलाम जरूर कहेगा। वालेकुम अस्सलाम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सारा, ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। अच्छा अब मैसेजेस पे आते हैं, गार्निशिंग में फ्रेश सैलेड रख भी, ठीक है, फ्रेश सैलेड काफ़ी है ना? काफ़ी है, हाँ, फ्रेश सैलेड इसके साथ रखी जा रही है, क्योंकि ये जो नमकीन गोश होता है तो इसमें फ्रेश सैलेड अच्छी लगती है, साथ नान रख लें कुछ इस तरह का रख लें, ठीक है, ये हो गया हमारे सैलेड, इसके साथ आप गोश को सर्व करेंगे, राइस भी अब निकालने की करते हैं, कितनी देर है इसमें? थोड़ी देर में निकालते हैं, थोड़ी देर दम आ जाए, स्टीम आ जाए, और राइस की रेसिपी भी रिपीट कराते हैं, मैं मैसेजेस भी देखता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब देख लें इसको निकाल लें, ताकि हम करते हैं राइस निकाल, इसको निकाल लें, इसको करते हैं फाइनल डिश आउट, ताकि फिर मैं आगे रेसिपी बढ़ाएं। नमकीन गोश्त मैं निकाल देता हूँ, इसमें कुछ डालना है आपने? नहीं, इसमें सिर्फ गार्निशिंग करूँगा, सिर्फ गार्निशिंग, लेमन डालना तो नहीं इसमें? लेमन इसमें डालना है आखिर में, अभी डालने, चलो लेमन डालना, इसमें डालना है या इसमें डालना है? इसमें डालना है, लेमन डाल दें। कितना डलेगा? पूरा आधा, आधा लेमन, ठीक है, एक चाय का चम्मच जितना लेमन जूस लास्ट में जाएगा, काली मिर्च और जाएगी थोड़ी सी इसके ऊपर जी, काली मिर्च मैंने रखी, वो देखें पीछे शायद रखी जी, कॉल बैठूँ तो अस्सलाम वालेकुम, कितनी डालेंगे? आधा चम्मच और डालेंगे, वो ज़्यादा नहीं है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आदा? ठीक है, ठीक ठाक, टीवी जो वॉल्यूम बंद करी गलायो थी ना तो लाइन ड्रॉप कर छंदा था जी। जी भाई, तो वाले प्रोग्राम दादो सा इंटरेस्ट सा दिसन आयो, मेहरबानी तमाम घणी जी, ए तो सा रिक्वेस्ट था, मुंजी न्यू शादी की या मुखे कुकिंग में काई भी नॉलेज ना है, प्लीज स्वागत दे बिरयानी छापे चाओ, छापे चाओ, छापे चाओ दी। हेलो जी, छापे चाओ। Hello? जी मुझसे चवा बिरयानी तदें तवा पचायो साखे थोड़ी मतलब नॉलेज मिली वने कुकिंग में कोई नॉलेज ना है उन दे करे। हेलो ठीक है, जल्द ठाई वठंदासी, ठीक है, बिरयानी मुके ठाईनी भी आया। हेलो ओके जी, थैंक यू अ लॉट, ठीक है, हरे धनिए से इसको गार्निश कर दिया है, ठीक है, थोड़ा इसको टिश्यू से, अब राइस भी निकाल दें आप, ताकि
मैसेजेस पढ़ता हूँ और ये खालिद भाई सुबुह जो रिपीट हलंदो सुबुह 11 लॻी 5 मिंट ते रिपीट आहे ठीक आहे सुबुह 11:05 ते रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ सां मेरा पेज ऐं रेसिपी अपलोड हो जाएगी और ये इन्होंने गार्निशिंग भी कर दी है हल्की सी अदरक भी डाल दें इसके ऊपर ठीक है ये नमकीन गोश हो गया तैयार मटन में बस काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ठीक है अब ऐसा करते हैं इसको निकालते हैं निकाल दें मिक्स करके निकालेंगे जिस तरह निकालने हैं प्राइस निकाल दें फिर मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ जो मैसेजेस आए होंगे तो उनका भी रिप्लाई करते हैं मिक्स कर दें राइस के लिए मुझे क्या करना होगा चिकन को अलग करना होगा पहले तो चिकन ऊपर लगाऊंगा जी क्या करेंगे चिकन निकालनी है अलग निकालनी है तो अलग प्लेट लेने आप ये लें इसको यहाँ ले लें फिर आप इजी रहेगा ठीक है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी जी मोक लो चिकन, चिकन पहले अलग निकालेंगे वो डिश में रखते वक्त पे चिकन और ऊपर से वो गार्निशिंग गार्निश नीचे रखा हुआ है ना जी जी ठीक है मैसेजेस देखते हैं ठीक है जी जी मैसेजेस हों जो मैं पढ़े सकता पढ़ी था वो आई जो रेसिपी समझना आई हुई सुबह जो 11:05 से रिपीट हल्द आई कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज है फेसबुक से उतनी रेसिपी अपलोड थी वी तो तुम भी ऐसी सोता ठीक है ये रेसिपी अच्छा ये आप निकाल रहे हैं इसका तो ये तो है ना आपके पास खाने में नीचे बस सही आप ये निकाल राइस निकालना शुरू करें आप जी बैठा दो ये मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ ताकि इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए जी और उसके बाद गार्निशिंग में पर रखी है नीचे इसलिए मसला नहीं है ठीक है अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं हल्के हाथ से मिक्स कीजिए टूटे ना ठीक है राइस को ये मिक्स करके निकाल रहे हैं मैसेज इसमें था हदीका शेख सलाम फैसल भाई कैसे हो आप और मुझे बाल लंबे और घने होने के कुछ बताएं इसी पेज पे जहां आपने मुझे मैसेज किया यहां पे आप फ़ोटोज़ में जाएं ऑयल बनाया था मैंने वो आप देखिएगा मेथी दाने और सरसों का ऑयल का जो मैंने मेथड उसमें लिखा हुआ है पूरा बॉटल के साथ पिक्चर भी है वो ऑयल आप यूज़ करें हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मसाज करें नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद आप शैम्पू करें हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर यूज़ करें तो आपके बाल इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में देखेंगे लंबे भी होंगे और जो 2 मुँह वाले बाल होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे टूटे जो डैमेज होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे ठीक है सैयदा कंवल रिजवी हैं सलाम मैं कंवल रिजवी फ्रॉम रावलपिंडी आज आपका शो बहुत अच्छा है हम आपका शो बहुत शौक़ से देखते हैं थैंक यू कमल आप रावलपिंडी से मैसेज किया आप लाइव देख रही हैं शो थैंक यू वेरी मच और शो लाइक करने के लिए ठीक है प्रिंस अब्दुल्ला आयन जुम्मा मुबारक अच्छा थैंक यू आपको मुबारक हो सनाउल्ला हैं आप लोग प्लीज़ मैसेजेस भेजा करें इस तरह के लोगोज़ ना भेजा करें अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई हमको सिंधी पापड़ मैं सिंधी पापड़ नहीं बना सकता सॉरी बार बार ना मुझे वो क्या करें मैं सिंधी पापड़ या नहीं बना सकता आप मुझे बार बार ना बोलें ठीक है क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता मैं इस तरह बोलता हूँ क्योंकि बनाना मुश्किल है यहाँ पर वो नहीं बन सकते इसलिए बहुत टाइम चाहिए होता है ठीक है आयत खान इन फैसल ठीक है आयत खान है सलाम फैसल भैया मैं महरिमा आयत के सिस्टर कैसे हो आप मैं आपके शो बहुत शौक से देखती हूँ आपकी हर टिप फॉलो करती हूँ और आज मैंने फ्रूट ट्राइफल और वाइट चिकन पुलाव बनाया अच्छी बात है थैंक यू आप फॉलो करती हैं आप लोग के लिए प्रोग्राम है आप लोग के लिए रेसिपीज़ नई नई लाते हैं थैंक यू आप लाइक करती हैं मुझे बताती हैं नीचे से गार्निशिंग निकाल दें टिशू भी हाँ वो ले लें पीछे से टिशू मोहम्मद मोहम्मद शाहजेब हैं अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई प्लीज़ पूरा मैसेज किया करें क्योंकि इस तरह पे बहुत टाइम निकल जाता है अभी गार्निशिंग में इसके सानिया शेख हैं आधा बेकिंग सोडा और जो नॉर्मल सोडा होता है पकोड़ों वगैरह में डाला जाता है दोनों में क्या फ़र्क है मीठा सोडा जो होता है वो पकोड़ों वगैरह में डाला जाता है राइजिंग के लिए बेकिंग सोडा होता है बेकिंग के लिए ठीक है बस ये मैसेजेस का रिप्लाई मैं बाद में करूँगा थैंक यू आपने ये रेसिपी बनाई टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया है बस सही है गार्निशिंग इसकी ठीक है इस तरह आप देख सकते हैं ये इन्होंने बनाई है चिकन के साथ अफगानी पुलाव ठीक है साइड इसके साफ़ कर देते हैं और बहुत ही अच्छा आपने चिकन पुलाव बनाया अफगानी पुलाव ठीक है इसको साइड्स क्लियर कर देते हैं ठीक है थैंक यू आप आए आपने ये रेसिपी शेयर की और इस सुबह 11:05 पे रेसिपी अब रिपीट में चलेगी कुकिंग विद शेफ से मेरा पेज हमारी रेसिपी अपलोड हो जाएगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा कल देखिएगा हमारे साथ गेस्ट आ रही हैं कराची की हैं हमारी कॉलर भी हैं और वो कल क्या रेसिपी डिफरेंट बना रही हैं कबाब में है और कुछ पुलाव है उनका डिफरेंट
कल का प्रोग्राम भी बहुत सारा शौक से देखिएगा, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं जो गेस्ट भी आके आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं जी। और ये रेसिपी सुबह 11:05 पर रिपीट होगी, ये आपके लिए सन टीवी की तरफ से केक है। थैंक यू। ठीक है आप ठीक है पंजो खोड़ सारो ख्याल रखो, भाई रेसिपी सुबह यार लगी 5 मिनट से रिपीट हलंदी कुकिंग विश पे समझो पेज है आई होते रेसिपीज अपलोड थींदी तेस ताई सुभाणे दिस जो जेको गेस्ट इंदी नई रेसिपी ठाईंदी छा हुंदो सजो दिस जो प्रोग्राम पंजो खोड़ सारो ख्याल रखो अल्लाह सब को ये चाहत का अंदाज देता है सेहत को ऊंची ये परवाज देता है जायका बढ़ाता है दिल को ये भाता Pacific, अपनों का प्यार Pacific